बात कोलकाता की, जहां पर डॉक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो आज मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, ये रिपोर्ट देखिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम अदालत ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए वाद सूची में शीर्ष पर रखा है। वाद सूची के अनुसार पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। सोशल मीडिया से पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पक्षकार बनाया गया है। इधर सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी, जिसके लिए एजेंसी ने सियालदह कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दाखिल की है, जबकि सीबीआई को कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है। आरोपी ने जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई को लगता है कि वो अभी भी कुछ छुपा रहा है। मध्य प्रदेश में अस्पताल में मरीजों को इलाज मिलेगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन उनकी सुरक्षा संदिग्ध जरूर है, ये रिपोर्ट देखिए। ये मध्य प्रदेश के सतना का सरकारी अस्पताल है, जहां इंसानों का इलाज किया जाता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि इंसानों के साथ जानवरों का भी इलाज किया जाता होगा। हालांकि हकीकत ये नहीं है, इलाज तो इंसानों का ही होता है, लेकिन यहाँ जानवरों की भी मौजूदगी है। अस्पताल में आवारा जानवरों के आराम फरमाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक तरफ डॉगी मरीज के बगल में आराम फरमा रहा है, तो दूसरी तस्वीर में मवेशी घूमता नजर आ रहा है। क्या अस्पताल में जानवरों की मौजूदगी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं है? आप देख सकते हैं, मौके पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च कैसे हो रहा है। सतना का ये सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में है। बीते दिनों पहले ऐसी ही लापरवाही को लेकर सतना अस्पताल में राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई थी। अब फिर ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है। और अब एक चौंका देने वाली खबर। कर्नाटक के एक नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सी के रविचंद्रन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूरी घटना उस वक्त हुई जब सी के रविचंद्रन बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अचानक अपनी कुर्सी से वो बोलते बोलते नीचे गिर गए। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। माइक में बोलते बोलते उन्हें हार्ट अटैक आया और अचानक वो कुर्सी से नीचे गिर गए। Z News.